चित्रकूट के क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायत भवरी में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहां के कर्मचारी और अधिकारी। ग्राम पंचायत भवरी में बनी रोड और नालियां बिल्कुल कीचड़ से भरी हुई हैं, जिससे यहां के लोगों को और स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां अधिकारी और कर्मचारी यहां की खबर तक नहीं लेते और स्वच्छता अभियान का नारा लगाया जा रहा है। जगह जगह यहां पर कूड़े के ढेर और रोडों पर सिर्फ कीचड़ बहता है, जिसके कारण यहां के लोग आए दिन बीमार होते हैं और उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत भवरी के रोड आज भी यह दशा है कि यहां कोई कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं। कर्मचारी कहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत में काम करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है गांव में कोई लोग जिए या मरे। और यहां के अधिकारी और कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे आंख बंद करे बैठे हुए हैं। तो आज पहुंचे हम ग्राम पंचायत भवरी चित्रकूट जिला के जो मानिकपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बरसात के सीजन में कचरा और झोपड़पट्टी के वजह से जो है ये गंदगी नाली जो है बह रही है, जहाँ पे आए दिन होते हैं लोग बीमार। और यहाँ स्कूली छात्र जो कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज है जो है वहाँ पे जो है जो छात्र हैं तो इस तरह के कीचड़ से होते हुए जाते हैं विद्यालय। क्यों बालक का क्या नाम है? मनोज यादव। जोर से बोलिए। मनोज यादव। मनोज यादव, तो यहाँ पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं आप? दसवीं। दसवीं कौन से कॉलेज में? कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज। कृषक इंटर में पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो कीचड़ उचड़ है, नाली का कीचड़ बह रहा है, तो इसी वजह से बहुत आप लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में? हाँ। जी हाँ, दिक्कत होती है। और यहाँ जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही यहाँ पे सफाई हो रही है। क्यों छोटू, आप लोगों को भी दिक्कत होती बहुत आने जाने में? विद्यालय आते जाते तो दिक्कत होती है, फिर भी यहाँ पे जो है सफाई कर नहीं हो रही ना? नहीं। बहुत दिक्कत होती आने जाने में, कीचड़ से होकर के जाते हैं। सुनील, थोड़ा तेज बोलिए। सुनील। सुनील सर, आप बस स्टॉप पर रहते हैं? बस स्टैंड। क्या करते हैं, दुकान के हैं? तो सर यहाँ पे ये जो कूड़े उड़े लगे हुए हैं तो इनको साफ वाफ करने कोई नहीं आता? कर्मचारियों की लापरवाही है। कर्मचारी यहाँ है ही नहीं? यहाँ कोई नहीं है कर्मचारी। एक कर्मचारी तो हर रात यहाँ पे है, लेकिन आ नहीं रहा ना। आ ही नहीं रहा? नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को बड़ी मुश्किलें होती होंगी? बहुत ज्यादा। ये कूड़े लगे हैं, इससे बीमारियां भी फैलती होंगी।